नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौतम। और आज की राजनीतिक गलियारे की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जेडीयू के नेता नरेंद्र सिंह और आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह से आज मिलने पहुंचे थे। क्या कुछ वहां पर बातें हुई, उस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम है। बिल्कुल शिप्रा, जिस तरीके से आज पहली मुलाकात मान के चले कि नरेंद्र सिंह की मुलाकात रघुवंश प्रसाद सिंह के आवास पर होती है, तो कहीं ना कहीं अब जो जेडीयू और बीजेपी के बीच जो तल्ख रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं उसकी एक कड़ी मानी जा रही है। और नरेंद्र सिंह से ये उम्मीद लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस महागठबंधन के बीच की जो दूरियां हैं वो कम करने पहुंचे हैं। हालांकि जब एबी न्यूज़ से जब रघुवंश प्रसाद सिंह से बातचीत होती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके कोई राजनीतिक मायने न निकाले जाए, हम लोग चूँकि चमकी बुखार पर चर्चा कर रहे थे। तो अब आप ही अंदाजा लगाइए कि चमकी बुखार पर अगर चर्चा करनी होगी, जेडीयू के नेता हैं, पुराने सहयोगी हैं और नीतीश कुमार के नज़दीकी हैं, तो फिर ऐसे में आरजेडी के साथ चमकी बुखार की चर्चा तो हो नहीं सकती नहीं। हाँ। तो कहीं ना कहीं मामला जो है आने वाले भविष्य के ऊपर जो भविष्य के संकेत हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक सीट की साझेदारी बीजेपी की तरफ से जेडीयू को मिल रही थी, तो उसके बाद से नीतीश कुमार जो लगातार बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, जिस तरीके से इग्नोर किया, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बाद की एक कड़ी है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ और ऐसी मुलाकातें होंगी और हर मुलाकात का अपना एक मायने होता है और इस मुलाकात के भी मायने बहुत साफ हैं कि कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो दूरियां हैं, आरजेडी और जेडीयू के बीच जो नज़दीकियां हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले 2020 को लेकर है। बिल्कुल, और रघुवंश प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा है दर्शकों को, पहले वो भी सुना देते हैं। मुलाकात हुई, इसका क्या मायने निकाला? इतना लोग मिलने जुलने के लिए आए, पारिवारिक बात है, व्यक्तिगत है, सब तरह के खानगी है, आते रहते हैं हम लोग, कोनो वैर भाव है ककरो से, क्या कोई कोई पार्टी में रहे, हम लोग को कोई व्यक्तिगत किसी से झगड़ा नफरत थोड़े है। ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से वो आए थे। अरे वो अपना इलाका में जा रहे थे और उनको पता चला जो रात में हम आए हैं, तो आकर मुलाकात किए हैं और खनगी बात हुई है, और उसके बाद जब वो बच्चे मर रहे हैं उसमें हम लोग को करना चाहिए और कुछ, इस सब संबंध में बातचीत हुई। क्या लगता है नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत किया जाएगा? तो आएंगे का हेतु मद्भुत होता है, आएंगे जब आना चाहेंगे उस दिन विचारण होगा। ये ना हम लोग का जो नीति है कि भाजपा को पछाड़ने के लिए गैर भाजपा जितना एक साथ जुट जाए तो और अच्छा होगा, ये तो साधारण हिसाब है, कोई इसमें बहुत अलजबड़ा या त्रिकोणमिति की कहाँ जरूरत है। और वो दोनों रहेंगे एक साथ हैं, उनसे भी हमको लड़ना है, और कोई उसमें से टूट कर हमारे नहीं आ जाएंगे तो हमको कुछ और आसानी हो जाएगी। तो सुना आपने कि जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद कह रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार से कोई भी परहेज नहीं है, अगर जो भी दल बीजेपी के खिलाफ हैं वो अगर हमारे साथ आते तो उनका हमारे पार्टी में स्वागत है। गौतम साफ साफ ये इशारा कर रहा है, इससे पहले भी जीतन राम मांझी इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, नीतीश कुमार उनके इफ्तार पार्टी में जाते हैं, फिर इससे पहले भी रघुवंश प्रसाद सिंह जो है ऑफर कर चुके हैं नीतीश कुमार को, तो जो भविष्य है यानी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है आगामी, उसमें क्या कुछ समीकरण बदल सकते हैं? बिल्कुल, और ये समीकरण एक नए समीकरण, चूंकि राजनीति में कोई भी दोस्त या कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, लिहाजा पहले भी नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ जा चुके हैं, लिहाजा आरजेडी को छोड़कर जब वो बीजेपी के साथ आए तो इसमें अगर वो बीजेपी को छोड़कर अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी सियासी भूचाल नहीं आने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि 2020 को लेकर जो नया समीकरण है वो बहुत जल्द हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि इशारों में बहुत बातें होती है और इस मुलाकात का कुछ ना कुछ मतलब जरूर निकलेगा। भले ही रघुवंश प्रसाद सिंह ये कह रहे हो कि हम चमकी बुखार को लेकर बैठकर बात कर रहे हो, लेकिन और रघुवंश प्रसाद ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में आएंगे तो गैर जो बीजेपी के छोटे छोटे जो दल हैं वो एक साथ हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो समीकरण है बहुत साफ है कि कल को कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, जो नज़दीकियां दिख रही हैं जेडीयू और आरजेडी की, सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि ये जो नज़दीकियां स्टार्ट हुई हैं ये सांकेतिक भागीदारी के बाद, जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तब जो सांकेतिक भागीदारी दी जा रही थी जेडीयू को, उसी समय से ये मामला जो है वो तूल पकड़ता गया, और क्योंकि
कल तक बहुत दोनों साथ थे, हर चीज़ें साथ साथ चल रही थी। जेडीयू को ये लगने भी लगा था कि अगर 16 में से 5 या 4 लोकसभा में अगर इनको मंत्री पद मिल जाता तो शायद ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां नहीं बनती सिप्रा। लेकिन ये उस वक्त का दौर है जब अमित शाह ने साफ तौर पे पीएम मोदी के ही कहने पर ये कहा होगा कि सिर्फ एक सीट आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री के तौर पे मिलेगा, लेकिन एनडीए को ये एनडीए में जेडीयू को ये नागवार गुजरा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने उस वक्त भी मना कर दिया और आगे भी कैबिनेट विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हो रही है उसमें भी जाने को मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में ये चीज़ें चल रही है कि अगर वो आज अगर जो है एक एकला चलो की राह अपना सकते हैं तो फिर जेडीयू को इतना ताकतवर जरूर हो जाना चाहिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में जेडीयू अपनी ताकत और जनाधार दिखा सके। तो एक बहुत अच्छी पहल है जेडीयू के लिए भी कि अपने आप को अपने दमखम दिखाने का एक मौका भी है। लेकिन बीजेपी या आरजेडी के बिना जेडीयू अकेले कुछ नहीं कर सकती, ये बिहार की गणित। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से ये विवाद जब उस वक्त शुरू हुआ और उसके बाद अचानक नीतीश कुमार यहाँ आते हैं, यहाँ पे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, उसमें बीजेपी के कोई भी नेता को शामिल नहीं करते हैं, और फिर अब नजदीकियां बढ़ना महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का, ये किस ओर इशारा कर रहा है ये साफ साफ दिखता है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी न्यूज़।